अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जनाब लगोंदर खिदमत में हाजिर है। तो अभी आज हमारा जो बॉटम मैश है उसका काम चल रहा है। तो बॉटम मैश है, बताऊंगा कि B1 और B2 क्या होता है और T1 T2 क्या होता है वो बताऊंगा, और ड्राइंग में स्टील कैसे पढ़ा जाता है ड्राइंग में साथ में बताऊंगा, और प्रैक्टिकल हम जो स्टील डाल रहे हैं वही बताऊंगा। और दोस्तों सब खरीदे तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लड़के नए हैं दुबई में हैं, चार जेंट हैं, फोरमैन बनना चाहते हैं या इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो मेरे ईमेल आईडी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उसमें मेरे को ईमेल कर सकते हैं। किसी को कोई सवाल पूछना है वही कमेंट्स में कर दें तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह सवाल का जवाब भी दूंगा। किसी को कोई जॉब का प्रॉब्लम आ रहा है इंटरव्यू के लिए कि क्या क्या पूछते हैं, कौन सा ब्लॉक के काम के लिए, प्लास्टर के लिए, स्टील के फोरमैन है या शटरिंग का फोरमैन बनना चाह रहा है, तो कोई किसी किस्म का भी जॉब फोरमैन है तो उसको मेरे से मशवरा कर सकता है कि दुबई में जॉब कैसे ढूंढना है, उसको इंटरव्यू कैसे जाना है, इंटरव्यू के लिए क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, तो ये सब मैं बता सकता हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा उसके लिए होगा और इंशाल्लाह अच्छी जॉब सैलरी अच्छी मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं अभी कि स्टील कैसे डाले और कैसे ड्राइंग में पढ़ा जाता है। जी दोस्तों ये स्टील डाला है, ये आप देख सकते हैं। पहले अभी बॉटम मैश नीचे वो अभी स्टील डाल रहे हैं। तो इसलिए एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा, आप लोग देखेंगे कि मार्किंग हमने किया हुआ है एक एक, और उसके बीच में हमने एक एक स्टील छोड़ा हुआ है। एक्चुअली ये जो स्टील हम बांधा हुआ है ये हमारा आता 15-15 सेंटी पे, अभी हमने 30-30 सेंटी पे बांधा हुआ है पूरा, देख ली। तो मार्क ये जो ड्राइंग में शो कर रहा है ये कर रहा है 15-15 सेंटी पे, लेकिन ये आप हैरान हो गए कि ये तो 30-30 सेंटी पे बांधा हुआ है, ऐसा क्यों है? तो एक साथ में ही सारा बांध सकते हैं। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो कहते हैं जो ओवरलैप होता है उसको इंटरनेट किया जाता है, क्या एक जगह में ओवरलैप पूरा एक जगह में नहीं आना चाहिए। तो इसी के लिए यानी आधा स्टील डाला है, ये लंबा स्टील है, अभी वो साइड से डालेंगे तो उसका ओवरलैप आगे पहुंचेगा, फिर वो इससे इधर ओवरलैप कनेक्ट करेंगे तो ओवरलैप हमारा पूरा एक जगह में नहीं मिलेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर जगह में लाजमी नहीं, हमने एक स्टील छोड़ा है अभी उधर से बड़ा स्टील डालेंगे तो उसका ओवरलैप यहाँ पे नहीं, वो ख़त्म आएगा, वो हमारा ख़त्म वो जगह में जाएगा। तो यहाँ पे तो इधर एक ओवरलैप यहाँ पे मिलेगा, फिर एक ओवरलैप वहाँ पे मिलेगा, तो इसके लिए हमने ये काम मैंने किया है, इसलिए एक स्टील छोड़ दिया और इधर से डालेंगे फिर उसके साथ ओवरलैप करेंगे। तो दूसरा तो दोस्तों ये देख मैंने जो शॉर्टेज बार है वो नीचे डाली हुई, ये हमारा शॉर्टेज बार है, तो आप देख सकते हैं शॉर्टेज बार। तो शॉर्टेज बार जो होती है वो मेन बार कहलाती है, कहीं भी काम है जो इंजीनियरिंग में है वो शॉर्टेज बार मेन बार कहलाती है। तो जो लॉन्गर बार होती है लंबी, जो लंबी साइड में बार आती है उसको डिस्ट्रीब्यूटर बार बोलते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड बार ऊपर डाली जाती है। तो ये ऊपर देख सकते हैं, अभी आप लोगों को मैं ड्राइंग में समझा देता हूँ कि जगह कैसे डालते हैं। ऐसे ही हमने वो भी वहाँ पे शॉर्टेज बार और उसमें ठीक है, हमारा ये विला थोड़ा ड्रैगनल है, एक राइट एंगल में मरबा शक्ल में नहीं है, तो कौन की शक्ल में इधर राइट एंगल नहीं बनता, तो यहाँ पर हमारे को चेंज करना पड़ा। देखिए वहाँ से मेन बार हमारी वो थी शॉर्टेज बार, फिर ये हमारे को हम लोग लॉन्ग बार ऐसा डाल रहे थे, अभी यहाँ से फिर हमने शॉर्टेज बार देख लीजिए चेंज कर दिया,
वहाँ पे छोटे बाज हमारी ऐसी थी, और यहाँ पे ये देखिए ये उल्टा हो गया, ये हमारे शॉर्टेज बार अभी यहाँ पे मेन शॉर्टेज। फिर हमारा वैसे देखने में तो लगता है यार ये तो उल्टा स्टील डाल दिया, तो मेन जो इंजीनियरिंग है शॉर्टेज बार फिर हमारी ये है। तो यहाँ पे वो स्टील जो टॉप था अभी जो टॉप था वहाँ पे, यहाँ पे बॉटम हो गया, कौन टॉप हमने उधर ऐसा डाला हुआ था, अभी यहाँ पे वो स्टील बॉटम हो गया। तो जो मेन बार है उसको B1 बोलते हैं, जो ऊपर वाली बार होती है उसको B2 बोलते हैं। तो टॉप जब हम स्टील डालेंगे तो उस टाइम फिर मैं आपको बताऊँ, आपको लोगों आप सबको समझाऊँगा। तो अभी मैं ड्राइंग मेरे पास है, अभी मैं ड्राइंग में समझा देता हूँ। देखिए ये हमारी दी हुई है, मैं नज़दीक करता हूँ कि साफ क्लियर ना जाए। तो मैश दी हुई है, मैश टॉप एंड बॉटम। इसमें B1 को जो नीचे हमने मेन बार डाली है उसको बॉटम बोल रहा है और दूसरे को टॉप, तो जाली एक मैश बनेगी। तो दोनों का स्पेस डाया है 12 mm का, वाई का मतलब होता है यार्ड यानी स्टील, किसी जगह ड्राइंग में टी लिखा होता है और किसी में वाई लिखा होता है। तो स्टील का टी का तो स्टील समझ आ जाता है, टॉप है ओ दूसरा टॉप का है बी बॉटम, ऐसा लिखा होता है। तो यहाँ पे डाया है 12, डाया का है 150 mm में है, तो ये इसका सेंटर टू सेंटर है। सी ये जो दिया हुआ है ये सेंटर टू सेंटर है, तो इसका 15 सेंटी सेंटर टू सेंटर है। तो ये मैश हमारी पूरी स्लैब पे 12 mm की मैश आएगी 15 15 पे। तो इसमें और हमारे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ये एरिया में पूरा, ये जो एरिया में पूरा ये दिया, ये जो एरिया है इसका इसने अलग थिकनेस भी स्लैब की दी हुई है, तो और साथ में लिखा हुआ भी यहाँ पे हमारे 20 mm की स्लैब थिकनेस आ रही है। तो और दूसरी जो हमारी ये है इसमें 30 है, तो इसमें 30 की स्लैब दी हुई है, बाकी इस जगह में ये इसलिए इसने हाईलाइट कर दिया कि यहाँ पे 20 है, और बाकी ये एरिया में भी सेम ही वही मैश है। तो ये हमारा एडिशनल बॉटम स्टील भी साथ में है, और ये लिखा हुआ है साथ में इधर भी एडिशनल बॉटम रेनफोर्समेंट, हमारी फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है यहाँ पे एडिशनल। तो एडिशनल स्टील जो है वो ये है, ये जो एड बॉटम ये जो दिया हुआ है 16 mm का, 300 mm में है, तो 3 सेंटी सेंटर टू सेंटर, और इसका लेंथ होगी 5 मीटर। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मीटर डालने, यहाँ हमारा टाई बीम सॉरी ड्रॉप बीम है, तो ड्रॉप बीम से हमारी 4 मीटर हमने ऐसे डालना है। इसको ट्रैगनल में कभी भी स्टील नहीं डालना, ये ड्राइंग में शो कर रहा है ट्रैगनल में, क्योंकि बिल्डिंग में बिल्डिंग थोड़े ट्रैगनल इसलिए ये ट्रैगनल, लेकिन ट्रैगनल में कभी भी स्टील नहीं डाला जाता, लाजमी उसको राइट एंगल में मुरब्बा शक्ल में ही डालना है। अगर किसी जगह में ऐसा है कि वो और जगह उसमें राइट एंगल में नहीं डाल सकता है तो वहाँ पे डाल देंगे, बाकी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बल्दिया यहाँ पे रिजेक्ट कर देती है जो स्टील ट्रैगनल में हो, मेरे साथ में ऐसा हो चुका है, मैंने एक प्रोजेक्ट में ड्राइंग में ट्रैगनल में दिया था, सेम ट्रैगनल में डाल दिया, लेकिन पूरा काम कंप्लीट करने के बाद में DM जो बल्दिया यहाँ पे इंस्पेक्शन करती है उस इंजीनियर ने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बोला ट्रैगनल में कैलकुलेशन नहीं कर सकता, तो इसके लिए रिजेक्ट किया। तो फिर उसके बाद यही मेरे को नसीहत मिली कि ट्रैगनल में स्टील कभी नहीं डालना, चाहे ड्राइंग में दिया भी हो और उसको राइट एंगल में ही डालना है। तो ये रही चीज़ें, और ये हमारा बॉटम है, ये बॉटम है, और ये वाला दूसरे तरह यहाँ से 2 मीटर है, इसकी लेंथ हमारी 3 मीटर की दी हुई है, तो सेंटर सेंटर ये भी 30 सेंटी है। ये मैं 16 mm को आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि कैसे ये मैंने डलाया है। तो ये दोस्त आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा मैं थोड़ा दूर से खड़ा होता हूँ ताकि नज़र आए आप लोगों को, यहाँ से कट पीस आप लोगों को ना, ये देखिए बीच में यहाँ से ये जो स्टील है 16 mm का 30 30 सेंट पे वो डाला हुआ है, ये यहाँ से वो लास्ट तक है। तो ये ड्रॉप बीम हमारा ड्रॉप बीम से मैंने स्टार्ट किया, 5 मीटर की लेंथ है,
तो वहाँ 4 मीटर तक जाएगी, तो 30 सेंटीमीटर तो ये यहाँ तक जा रहा है। ये एडिशनल स्टील गलत है, बाकी तो मैच हमारी 12 mm की है सारी। तो ये यहाँ से 30 सेंटी पे 5 मीटर का स्टील एडिशनल डाला है, एक्स्ट्रा जो स्टील है। तो ये ड्रॉप बीम के बाद में फिर हमारा स्टील स्टार्ट होता है ये 4 मीटर का। तो ये 4 मीटर का डाला हुआ है, यहाँ पे 4 मीटर स्टील स्टार्ट हो रहा है। तो ये 4 मीटर का उधर से 5 मीटर तक डाला है, यहाँ से 5 मीटर पहुँचता है। तो ये हमारा ये इस तरह स्टील डाला जाता है। थैंक यू दोस्तों, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना ज़रूर ख्याल रखिए।